यह है लोटस वीजा। ये दुनिया की सबसे पावरफुल गाड़ी है। पर इसकी डिज़ाइन देख लें, इसकी हेडलाइट्स हैं कुछ सादी स्लिम सी, और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। इसका जो फ्रंट बम्पर है वो बिल्कुल खुला है, वो इसलिए ताकि हवा गाड़ी के अंदर जा सके। यहाँ पे फ्लैप्स भी हैं जैसे मैकलारेन सेना के अंदर होते हैं, वो एयरोडायनामिक्स और ब्रेकिंग में मदद करते हैं। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एयरोडायनामिक है। प्लस यहाँ पे उन्होंने विंग्स दिए हुए हैं हुड पे, तो यहाँ से भी हवा जो है वो नीचे से जाती है जैसे स्पॉइलर के थ्रू जाती है। तो ये समझ लें स्पॉइलर में आगे भी लगा हुआ है, और यहाँ से जो है हवा बाहर निकलती है जो सामने से अंदर आती है। ये इसका इंटीरियर है, बहुत ही सादा सा है, वो इसलिए सादा सा रखा है ताकि गाड़ी का टोटल वज़न जो है वो कम से कम हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी चीज़ें गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी हैं बस वही चीज़ें मिलेंगी आपको। ज़ाहिर है गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये गाड़ी बनी है परफॉर्मेंस के लिए। लोटस ने आज तक कभी इस तरह की हाइपर कार नहीं बनाई, वो लोग सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कार्स बनाते हैं। ये गाड़ी जो है वो बहुत डिफरेंट है, उन्होंने सुपर कार कैटेगरी को स्किप करके डायरेक्ट हाइपर कार बनाई है। इस गाड़ी में टनल्स भी हैं, ये टनल इसलिए है ताकि हवा जो है वो गाड़ी के आर पार गुजर जाए। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि उन्होंने आगे के जो व्हील्स हैं जब वो घूमते हैं ज़्यादा तो हवा जनरेट होती है, तो उसका प्रेशर रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। अच्छा, कितने सीसी की होगी ये गाड़ी? ये एक्चुअली 0 CC की, क्योंकि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं और सब मिलके जो है बनाते हैं 2000 हॉर्स पावर, यानी ये 2 बुगाटी वेरॉन के बराबर है ये गाड़ी। अच्छा, वो जो टनल है वो यहाँ ख़त्म होते हैं, और ये जो रेड पट्टी आपको नज़र आ रही है ये लाइट्स हैं, ये टनल क्राउंड उन्होंने लाइट्स बनाई हैं। प्लस नीचे फ्लैप्स हैं वो भी हवा को कंट्रोल करते हैं, जैसे सिल्वर कलर की जो एज है वो वाली। यहाँ पे स्पॉइलर विंग है बड़ा सा, अभी वो फोल्ड हुआ हुआ है। प्लस एक रिवर्स कैमरा भी आपको नज़र आ रहा है वहाँ ऊपर छत के पास। बेसिकली अगर लोटस की स्पोर्ट्स कार से कंपेयर करें तो सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स कार भी लोटस की वो बनाती है 430 हॉर्स पावर, और ये बनाती है 2000 हॉर्स पावर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। तो बहुत से लोग जो है वो यकीन नहीं करते कि लोटस जो है ये बनाएगी। अच्छा, ये छोटा सी आपको जगह नज़र आ रही है व्हील्स के पीछे, ये रिवर्स कैमरा है जो कि अभी अंदर हुआ हुआ है। जब गाड़ी को रिवर्स करना होगा तो ये कैमरा बाहर निकलाता है। फेरारी और बुगाटी के शोरूम्स के बिल्कुल बीच में ये नया शोरूम खुला है लोटस का, इसीलिए ये गाड़ी यहाँ पे चंद दिनों के लिए आई हुई है। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं, और मुझे भी बहुत अरसे से इंतज़ार था इस गाड़ी को देखने का। तो इसी साल इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है ये जल्दी जल्द मुझे कुछ अर्से में ये रोड पर भी नज़र आना शुरू हो जाए। बाकी और गाड़ियों की वीडियोज़ भी है मेरे पास चैनल पर, बुगाटी, फेरारी, लंबगिनी, मैकलारेन, पोर्श, तो वो भी ज़रूर जाके देखिएगा मेरे चैनल पर एक नज़र, आपको यकीनन मज़ा आएगा।